आपका सवाल नंबर एक है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए शिमला, बी महाराष्ट्र, सी जम्मू कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। आपका सवाल नंबर दो है, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है? आपका ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी गुजरात। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। आपका सवाल नंबर तीन है, निम्न में फेसबुक के संस्थापक कौन है? आपका ऑप्शन है ए एलन मस्क, बी मुकेश अंबानी, सी अदानी, डी मार्क जुकरबर्ग। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग। आपका सवाल नंबर चार है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी चौथा, डी पांचवा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा। आपका सवाल नंबर पांच है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी असम, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। आपका सवाल नंबर छह है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए पीपल, बी केला, सी आम, डी नीम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पीपल। आपका सवाल नंबर सात है, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? आपका ऑप्शन है ए चमगादड़, बी गिलहरी, सी बिल्ली, डी किंग कोबरा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी किंग कोबरा। आपका सवाल नंबर आठ है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए थॉमसन ने, बी चार्ल्स ने, सी पीटर ने, डी न्यूटन ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पीटर ने। आपका सवाल नंबर नौ है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए जन गण मन, बी वंदे मातरम, सी मेरा भारत महान, डी मेरे देश की धरती। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वंदे मातरम। आपका सवाल नंबर दस है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? आपका ऑप्शन है ए जापान, बी भारत, सी सिंगापुर, डी हिरोशिमा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हिरोशिमा। आपका सवाल नंबर 11 है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका ऑप्शन है ए सिनेमा, बी खेल, सी साहित्य, डी चिकित्सा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिनेमा।
आपका सवाल नंबर 12 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन है ए सारनाथ, बी लुम्बिनी, सी कुशीनगर, डी गया। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कुशीनगर। आपका सवाल नंबर 13 है, मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 43 दांत, बी 42 दांत, सी 80 दांत, डी 82 दांत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 80 दांत। आपका सवाल नंबर 14 है, रोजाना चना गुड़ खाने से क्या तेजी से बढ़ता है? आपका ऑप्शन है ए लंबाई, बी दिमाग, सी मोटापा, डी ताकत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दिमाग। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल नंबर 15 है, भारत में नोटबंदी किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 2014 में, बी 2016 में, सी 2018 में, डी 2019 में। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।